इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान को भगत की क्या अच्छी लग जाए हो भगवान ही जानते। आनंद कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, वो चरण उदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। लो लो लो, अरे भगवान ने हाँ नहीं कहा तो केवट जी को लगा इनके पास उतरा ही नहीं इसलिए घबरा रहे हैं। तो केवट जी कहते हैं, पद कमल धोज चढ़ाई रावण कमल धोऊंगा नाव चढ़ाऊंगा उतराई नहीं चाहिए, उतराई लूंगा ही नहीं, नहीं लूंगा। अरे बनिया देन पूरे तौल, देने वाला क्या सोचेगा, देगा नहीं देगा। केवट जी पहले ही भगवान को मुक्त करते हैं। क्यों? मनुष्य जहां रहता है वहीं से कहता है, आदमी जहां रहता है वहीं सोचता है। हम हमारे बारे में ना अच्छा जानते हैं जी, आपके बारे में हम क्या जाने, आप अपने बारे में अच्छा जानते हैं, आप मेरे बारे में क्या जाने। क्यों साहब, हम हमारी कहेंगे आप अपनी कहेंगे। केवट जी को लगा जैसे हमारे घर में उतराई देवे के बदे न बा, कुछ भेजे के न बा, भेंट न करे के बा, वैसे ही नहु के पास कुछ बा होना इसलिए डर रहे हैं। बहुत अच्छा है वो केवट जी, वही सोच रहे जहां वो स्वयं खड़े हैं। सरकार की क्या लीला है देखी, ननाथ उतराई चह उतराई नहीं चाहता हूं। मही राम रावर आन, आपके पिताजी की सौगंध लेता हूं। दशरथ सपत सब सांची कहूं, सत बोलता हूं झूठ नहीं बोलता हूं। एक बात बड़ी विनोद की है, देखिए ये बात हम सच बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले झूठो बोलते थे। हाँ ये बात हम सत बोलते हैं। एक बात आप कोई कहेंगे ना तो हम उसमें दूसरी बात ढूंढ लेते हैं, जनरली है ना, जनती तो क्या कर लेती। ये बात सत्य है, केवट जी ने सौगंध पूर्वक कहा उतराई न चाहिए। लक्ष्मण भैया ने जैसे देखा कि तो बाबूजी का भी नाम लेता है तो तरकस पर हाथ गया, मारदेव मारदेव। केवट जी बोले, बरु तीर मारू लखन पै जब लगिन पाए पद कमल धोई। पद में निष्ठा है, हमारी भक्ति का प्रकार क्या है ये समझना चाहिए। हम किस प्रकार के भगत हैं? हम लोग तो गावे वाले भगत गाते रहते, राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ। हम लोग तो गाते हैं सोई जस गाय तर रहे। चौथी भक्ति है, चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तजी गा। आपको व्यास जी बोलते हैं ना कि आप कैसेट ले लो, वो कोई कैसेट ले लो, आपका मन हो तो लो,
आपको कथा सुनना है तो लो, भजन सुनना है तो लो, आपको न सुनना हो ये बोलत रहे आप सुनत रहो, अनिवार्य नहीं है। जो ग्रंथ है आपको पढ़ना है तो लीजिए, वो कोई व्यापार नहीं है। आप लेंगे तो आप सुनेंगे भजे, हम तो बोले ना जितने मंदिर प्रोजेक्ट में सब जगह बजने दीजिए, पाठ दीजिए, वो क्या है। हम जब शुरू में कथा करते थे तो कैसेट रिकॉर्ड करके बना बना के बांटे रहते थे, ए सुनिए हम कथा बांटते हैं सुनिए, लोग सुनते थे उसके बाद बुलाते थे, दो टेप रिकॉर्ड लगा के हम खुद काटते थे, मिलाते थे प्रसंगों को और लोगों को देते थे, हम कथा बांटते हैं मेरी कथा सुनिए। तब बहुत बहुत किया, हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तो हजारों कथा कहते बांट प्रसाद लो कथा सुन करते सुनाते थे। जैसे पहले चाय होती थी ना, चाय बेचने वाले लोग शक्कर भी देते थे चाय भी देते थे, और धीरे धीरे ऐसा लग गया है कि वो तो चले गए बेचारे इंग्लैंड, लेकिन हम लोग खरीद खरीद पीने लगे। पहले जो बगान थी ये चाय उन्हीं की कृपा है चाय बनना बेचना, अपने लोग तो सब जानते हैं, देख के आते हैं तो ठीक करने लगते। अब वो गांव में जब चाय बनती है तो लोग कप में चाय नहीं पीते हैं, तरी एक लोटा चाय बनाइए रे, लोटा भर चाय लेके और कटोरा में पिए थे। हाँ। तब तेजपात पड़ता था हो, अब तब तेजपात महकते नहीं, अब दमे नहीं रहा न तेजपात में न हल्दी में, भगवान बचावे क्या हो गया। पहले हींग का छौंक लगता था तो मोहल्ले में महकता था, अब जो छौंका था वही के नहीं महकता, हींग के बदले लाशा बेचते थे सब। गोंडा के लोग आते थे, लो हींग उधारे बैसाख के करारे। केवट जी की प्रेम भरी अटपटी वाणी सुनकर परमात्मा ठहाका लगाकर हंसे, भी हंसे करुणा चेतई जानकी लखना। भगवान जोरदार हंसे, नौ को रस होता है उसमें हंसी को रसराज कहते हैं। दिन भर में 24 घंटा में नहीं बहुत तो 24 बार हंसना चाहिए, हंसने की कहीं ट्रेनिंग नहीं होती। बोलाचार्य जी नहीं आए ना, हमारे एक मित्र से किसी ने पूछा है कि प्रेमभूषण जी से पूछिए कि वो प्रसन्न कैसे रहते हैं, तो प्रसन्न कहने के विपद पड़ी है का? क्यों नहीं प्रसन्न रहेंगे, रोने का क्यों प्रोजेक्ट लेके चलना जी, प्रसन्न रहिए, क्यों नहीं प्रसन्न रहेंगे, कोयला कैसे निकलता है देख के आए हैं तो प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। भगवान की कितनी कृपा है, कितना ऊंचा कितना नीचा बताइए, क्या खदान देखे दिमाग में आंख में उभे नाच रहा है लाला हो, अरे देखवा तो आनंद आ जाइए। तब 3 किलोमीटर लंबा वर्मा जी, एक प्रोजेक्ट एक किलोमीटर का, एक एक किलोमीटर का, एक किलोमीटर का, हम लोग तो पासे में पहुंच गए थे। क्या बात है, अरे प्रसन्नता के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है क्या, घर में रहिए हंसी खुशी के बाद कहिए हंसने लगिएगा, जब भेटा तब पसीना पोछ रहे हैं, का हो बड़ा कष्ट है, का हुआ गर्मी बहुत है, ये कौन सा कष्ट है, गर्म गर्म होगा बता बता बताइए। हम कथा में बैठे हैं आनंदित हैं, आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये बताइए इतने लोग बैठ रहे हैं, इतने लोग आप लोग बैठे हैं, कितने लोग होंगे, 500 होंगे ना आप लोग, कितने लोग होंगे आप लोग, 500 हैं कि 5000 हैं, अतः ही बताइए 5000 लोग बैठे हैं, अकेला ये आदमी बोल रहा हंसी का विषय नहीं है, इससे बढ़िया हंसी क्या होगी, एक को बोला था 5000 सुना था, हंसी का विषय रही है यही सब, ढूंढे रहिए कुछ न कुछ, घरवा में बैठिए तो ढूंढ रही है, घरवा में बैठकर बच्चों के साथ प्रसन्न रहे, जानते हैं? आप जब प्रसन्न रहेंगे तभी आप दूसरे को प्रसन्न रखेंगे। आप खुद को नीला दुल्हा जब तक हम लटकलवा।
मोदी भाई की तरह, ये देखिए अरे प्रसन्नता भगवान की श्रेष्ठतम भक्ति है, मगन रही। मेरे पूज्य पिताजी गाया करते थे पहले, अरे राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भइले सबरी ली, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भइले सबरी ली, राम गुण गाय के मगन भइले सबरी ली, राम गुण गाय के। लंबी लंबी कसिया सबरी डगर बचाई के, यही है प्रभु जी का सकुटवा बचाई के, मगन भइले सबरी हरि गुण गाई के, मगन भइले सबरी राम गुण गाई के, राम गुण गाई के, राम गुण गाई के, राम गुण गाई के, मगन भइले सबरी राम गुण गाई के, मगन भइले सबरी राम गुण गाई के। मीठे मीठे फल सबरी केवट जी ने कह दिया हो, इनसे करुणा चितई जान की लख, कुछ अटपटा न बोले हो, यह तो कहे कि हम कसम लेते हैं, मार दी है छोटका जना तबो पे धोल ना चढ़ाई, हाँ भक्ति पक्ष हट। जब कुछ लोगों का स्वभाव मर खाहा होता, हाँ तू बढ़ियों काम करे तब हाथ बांधे हूफत रही है नागस, वो सोचे अब नाम देंगे तब तक डप ही पड़े बेचारा, दिल भर दिखाइए नहीं पड़ेगा, लो हो गया काम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।